हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। और दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को लेकर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको अगले 24 घंटे का मौसम पूर्वानुमान और पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे भारत में कहाँ पर बारिश हुई, कहाँ ओलावृष्टि और कहाँ पर तूफान आया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों यह खबर आपके काफी काम आने वाली है। लेकिन दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो नीचे आपको एक लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, वह भी दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दरअसल दोस्तों, उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। यह सिस्टम उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे जम्मू कश्मीर पर पहुंच गया है। उत्तरी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है। उत्तर पूर्वी बिहार से दक्षिण छत्तीसगढ़ तक एक टर्फ बना हुआ है। विदर्भ से लेकर तेलंगाना, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक होते हुए आंतरिक तमिलनाडु तक विपरीत हवाएं आपस में टकरा रही है। दोस्तों, बात करें पिछले 24 घंटों की, तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, केरल तथा दक्षिण तमिलनाडु में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तटीय तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों, अगले 24 घंटों की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी और तटीय तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी और पूर्वी मध्य प्रदेश, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, पूर्वी भारत का मौसम विशेषकर बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। एक दो स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में कल धूल भरी आंधी और बारिश की आशंका भी है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में धूल भरी आंधी आने की आशंका अगले 24 घंटों के दौरान बनी हुई है। इस दौरान करीब 70 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चलेंगी, हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने इस बारे में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस वक्त उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ अभी भी सक्रिय है। इसका असर पर्वतीय इलाकों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बना हुआ है। इसे देखते हुए इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसमें मौसम खराब होने की चेतावनी दी जाती है। यानी कि दोस्तों, उत्तरी भारत में लगभग मौसम खराब रहेगा और हवाओं की रफ्तार 70 किमी प्रति घंटे की रहेगी, यानी कि भयंकर तूफान की रहेगी। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं और कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियोस में हम आपके राज्य की खबरें भी प्रमुखता से बता सकें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरीके की खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। साथ ही हमारे चैनल पर सुबह सुबह मुख्य समाचार का वीडियो आता है, वह भी जरूर देखिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।